आर सोनी न्यूज खबर आप, आर सोनी न्यूज खबर आप। देश के टॉप 25 सांसद, मौका है उन्हें सम्मानित करने का। दिल्ली के विज्ञान भवन में मशहूर मैगजीन फेम इंडिया के द्वारा कुल 543 सांसदों में से कई कैटेगरियों में योग्य पाने के बाद आखिर में 25 सांसदों को सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार समारोह किसी राजनीतिक दल का नहीं था, लिहाजा इन 25 सांसदों में हर पार्टी के सांसद थे। साफ है चुनाव चंद दूरी पर है, उससे पहले एक मशहूर मैगजीन द्वारा सांसदों की योग्यता पर उन्हें सम्मानित करना आने वाले चुनाव में भी एक अलग भूमिका निभाएगा। बिहार के पश्चिम चंपारण के बेतिया से चुने गए बीजेपी के सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल को भी यह पुरस्कार मिला, जिसके बाद उन्होंने यह सम्मानित पुरस्कार से काफी खुशी मिली। उन्होंने हमसे साझा की कुछ अपनी बातों को। दिखाया कि बिहार जैसे जाति वर्ग प्रमुख राज्य में भी सिद्धांतों और मूल्यों की सियासत की जा सकती है। डॉक्टर संजय जायसवाल, आप लगातार क्षेत्र में काम करते हैं और उसकी पहचान बनती है तो उसी को महसूस होती है और यह और जनता की सेवा करने के बारे में अपना जो कमिटमेंट है उसको और मजबूत करने का इरादा होता है। मौका संसद में बैठने वाले 543 सांसदों को पुरस्कृत करने का था, लिहाजा मोदी कैबिनेट के कई मिनिस्टर यह पुरस्कार लेने के बाद मौजूद थे। साथ ही मैगजीन एशिया पोस्ट के एडिटर इन चीफ राजीव मिश्रा एवं फेम इंडिया के कार्यकारी अध्यक्ष राघव एस अस्थाना ने इस पूरे समारोह की बागडोर संभाली। मैगजीन द्वारा किए जाने वाले यह आयोजन का दूसरा साल है। मौजूदा साल के कार्यक्रम की लोकप्रियता को देखते हुए आयोजक और पुरस्कार पाने वाले सभी काफी खुश थे। अपने सहयोगी मुकेश सिंह के साथ दीप सिलोड़ी की यह थी खास रिपोर्ट।